व्यक्ति एकांत में बैठा हुआ समय समय पर भाव बदल जाते हैं, परंतु जो अभ्यासी होगा, प्रयत्नशील होगा, अपने भावों को सत्वगुणी बनाए रखेगा। क्या चिन्ह होंगे? वह भक्ति भाव में मगन होगा, परमात्मा के नाम में मगन होगा, ध्यान में होगा, सदग्रंथों का पाठ जो किया होगा उसका चिंतन करेगा। इस श्लोक में भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं, भक्ति भाव में मगन मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। अगर रजोगुण में रहोगे तो संयमी नहीं होंगे, तमोगुण में तो अधोगति को जाने का कारण हो जाएगा। संयम, नियम, मर्यादा, भक्ति भाव में ये सत्वगुणी, केवल सत्वगुण जब उसके अंतर्गत मानव रहेगा तभी ये सब बातें संभव हो पावेंगी, साधना में आगे बढ़ पावेगा। जो सत्वगुणी नहीं होगा वह रजोगुणी होगा या तमोगुणी होगा, तीन ही गुण हैं, यही प्रकृति का नियम है, इसी प्रकृति से मानव बना है और यही नियम, यही प्रकृति उसके भीतर है। अब अगर सत्वगुण को दबा दिया तो रजोगुण उत्पन्न हो जाएगा, सत्वगुण भी दबा दिया, रजोगुण भी दबा दिया तो तमोगुण उत्पन्न हो जाएगा, और इसी प्रकार अगर तमोगुण और रजोगुण को दबा दिया तो सत्वगुण परमेश्वर में भक्ति भाव यह उत्पन्न हो आवेगा। यह साधक के अपनी वृत्तियों पर आधारित है, क्या करना अथवा नहीं करना यह उसके अपने अधिकार में है, इसका केवल स्वभाव बना लेना है और प्रयास करना है। कठिन नहीं है, जब तक इस मार्ग पर ना चला जाए तो यह असंभव है, फिर कठिनतम है। अगर विचार करके, चिंतन करके इसका प्रयास किया जावे तो यह सुगमता से प्राप्त हो जाता है, फिर यह कठिन नहीं रहता। स्थिर बुद्धि अगर सात्विक वृत्ति में है तो वह स्थिर होगा, क्योंकि परम पुरुष वह सबसे बड़ा एक ही है, उसमें अपने आप को अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है। अगर सत्वगुण को नाप अपनाया जावे रजोगुण और तमोगुण, फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं, इसमें स्थिर बुद्धि नहीं होगी, इसमें इच्छाएं बहुत बड़ी हुई होंगी और उनकी पूर्ति के लिए उचित अनुचित कुछ भी करना पड़े। बुद्धि अगर स्थिर होगी तो अनुचित की ओर विचरने नहीं देगी, जबकि और दोनों पक्षों में रजोगुण और तमोगुण में उसके लिए कुछ भी अनुचित ना होगा, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि निर्णय करती है यह उचित है यह अनुचित है। जो रजोगुण और तमोगुण में चला जाता है बुद्धि तुरंत शरीर से बाहर हो जाती है। संयम तो केवल, नियम मर्यादा तो केवल सात्विक वृत्ति, प्रभु प्रीति, उस पथ पर आरूढ़ चलने वाले साधक को प्राप्त हुआ करती है। 60वां श्लोक, परम पुरुष की पराप्रीति से रहित होने पर
हे कुंती के पुत्र, यतनशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ले जाती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच कर ले जाती हैं। अध्यात्मवाद के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता। इस कारण इंद्रिया संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों के वश में करके योग युक्त अभ्यासी जन मुझ में प्रायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर अरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मगन मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे? स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है 62वां श्लोक। असंयमी मनुष्य के मन में तमोगुणी, असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, पाप का पेड़, जो उसको पेड़ को फल मिलेंगे वो पाप के फल होंगे, अधोगति, कष्ट, दुख, तकलीफ। आरंभ कहां हुई? वासना से। असंयमी मनुष्य जिसको संयम ना होगा, ये उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो मुझे मैसेज आ जाते हैं कि आप चामुंडा में भगवान ने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, किस प्रकार से हूँ, उसका उत्तर नहीं दिया। इन श्लोकों में भगवान के उस कथन का उत्तर है। संयमी हैं, संयमी जीवन है, कर्तव्य कर्म को पालन करते हुए भी उनमें ललायत नहीं है। उनको भोगने के लिए वह कदापि अपने भावों को उस ओर अग्रसर नहीं रखते हैं। असंयमी मनुष्य के मन में जो असंयमी होगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अब अपनी उस कामना की पूर्ति के लिए उचित अथवा अनुचित कोई भी ढंग हो, कोई भी मार्ग हो, उसे तो तमोगुण के अंतर्गत अपनी उस वासना को पूर्ण करना है। वो संयम में ना रहकर असंयमी हो जावेगा और ये वासना रूपी बीज भीतर इस कदर विशाल वृक्ष को क्या लगेगा? फल लगेगा। और कर्म क्या है? फल के को प्राप्त करने का ढंग है। अब जिसका कर्म असंयमी रहते हुए, वासना के बीज बोते हुए, जैसा पेड़ वैसे फल, क्या होगा? पाप का पेड़ बना करता है। उस पर महाराज ने कहा कैसे बनेगा पाप का पेड़? बीज क्या होगा? बुरे विषयों का चिंतन करने वाले, रजोगुण में रहते हुए, और चाहिए, चाहे बैंक डाका मारना पड़े, किसी के घर चोरी करनी पड़े, लूट सूट करनी पड़े, किसी भी ढंग से। दूसरे,
ये रजोगुण के अंतर्गत, फिर तमोगुण के अंतर्गत, पर स्त्री पर मोहित हो जाना, उसकी प्राप्ति की ऐसे लिए ललायत हो जाना। अब ये विषय हैं, पांच विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहम भाव। अहम भाव विषयों के अंतर्गत है। इस अहम भाव, अगर इसका बीज बो लिया जावे, मैं सेवा करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं पुण्य का कर्म करता हूं, मैं जाप करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं सत्संग में जाता हूं, ये सात्विक विवृति ना बन करके रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत कैसे, ये जितने भी हमारे फल हैं उनमें अंगूर भी हैं, यह स्वास्थ्य में एनर्जी देने वाले हैं, परंतु अगर इन्हीं अंगूरों का दुरुपयोग कर लिया जावे तो शराब बनाने के लिए, तामसिक वही पदार्थ है, वही सात्विक है, और अपने अनुसार उसको वर्ताव में ले लिया जावे तो वह तामसिक बन जावेगा। इसी प्रकार सेवा, परहित, परोपकार, ये जाप पाठ, ये सात्विक है। अभिमान को अगर इसके साथ मिश्रित कर दिया जावे, ये तामसिक हो जावेगा। ये विषय बन जावेगा। बुरे विषयों, ये फल, ये अंगूर, ये तामसिक नहीं है, परंतु इनको बना दिया जाता है। इसी प्रकार मानव अपने आप को, अपने कर्मों को तामसिक बना देता है। अब बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का विषयों से संग हो जाता है, मोहित हो जाना, ये बीज एकांत में बैठे हुए उन विषयों का चिंतन करना। अब स्थान कहां दिया? हृदय के अंदर।